राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहती हूँ। आइए आरंभ करते हैं। भगवान, आपने मेरे साथ ये क्या किया? भगवान, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। भगवान, आपको मेरे पे तरस नहीं आया। भगवान, आपने कौन सी चीज़ का मेरे से बदला लिया है? रोज़ाना हम सब मनुष्य भगवान को ऐसे ताने मारते हैं। रोज़ाना नहीं, कभी ना कभी तो हम सभी ने भगवान को ऐसे ताने मारे होंगे। क्या हम सभी को इस बात का कभी ख्याल आया है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन्होंने कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ अपनी ज़िंदगी में देख ली हैं? भगवान राम का जिस दिन राज्याभिषेक होना था, उसी दिन उन्हें वनवास भेज दिया गया। उन्होंने तो अपने मरे हुए पिता को जलाया तक नहीं, एक पुत्र होने का फर्ज उन्होंने नहीं निभाया। उसके बाद जब वह अयोध्या वापस लौटे 14 साल का वनवास पूरा करके, कुछ समय के बाद माता सीता उनसे दूर चली गई अपने दोनों पुत्रों के साथ। और माता सीता के साथ भगवान राम ने अपना जीवन भी नहीं व्यतीत किया। माता सीता ने भरी सभा में अपने आप को माता मृत्यु की गोद में सौंप दिया था। और लव कुश और श्री राम ये सब साथ में रहे। आप सबने सोचा है कि भगवान कृष्ण की लाइफ में कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ संकट आए? हम सब कहते रहते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने हमें ये नहीं देते, आपको हम पे दया नहीं आती। भगवान कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ था। उसके बाद उनके पिता उन्हें टोकरी में रखकर गोकुल छोड़कर आए थे। उसके बाद जब वे बहुत ही ज़्यादा छोटे से थे, तब पूतना उन्हें मारने आई थी। हमेशा मौत उनके सिर के ऊपर मंडराती रहती थी, हमेशा। उसके बाद जब उन्होंने कंस को मारा तो अपने माता पिता को छुड़ाया। उन्होंने तो उनका तो पालन पोषण भी उनके असली माता पिता ने नहीं किया। उसके बाद जब वे मथुरा गए तो राधा से उनका विरह हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक अलग नगरी बसाई, मथुरा को छोड़ दिया, वो थी द्वारका। उसके बाद उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण, महाभारत और अनेक ऐसे अब विनाश होते देखे। उसके बाद उन्होंने अपने कुल का पतन होते देखा। तो क्या ये संकट नहीं है? अगर ये संकट हमारी लाइफ में आए तो हम तो भगवान को इतने ताने मारे, पर उन्होंने कभी ताना नहीं मारा। उन्होंने तो भी अपना जीवन व्यतीत किया। विश्राम करने बैठे थे तो पैर में आकर तीर लगा। तो हम सभी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमें भगवान को, हमें जितना हमारे पास है उनका धन्यवाद करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो जाकर कहीं भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाकर बस मांगते ही हैं, थैंक्स नहीं करते हैं। जितना सब कुछ तुम्हारे पास है ये किसकी वजह से है? भगवान की वजह से है। अगर वो चाहे ना तो 1 मिनट में तुमसे ये सारा कुछ छीन ले। कुछ लोग होते हैं जो अपने काम की बहुत चिंता करते हैं। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसने ये चोंच लगाई है उस परेशानी भी उसी को होनी चाहिए। उसने ये चोंच लगाई है तो उसे उसकी ये जिम्मेदारी है कि मुझे इसको खाना देना है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।